Hey guys, welcome back to my channel Sharma's Vlog. My name is Ankita and Ashita. Hi, say hi Ashita. ये नींद में दोनों नींद में डुबो है इसका तो मूड ही खराब है. तो यस गाइस, सबसे पहले हैप्पी नवरात्र टू ऑल ऑफ यू. आज है नवरात्र का पांचवा दिन और मेरा है पांचवा फास्ट. तो यस, मैंने रखा है पूरे के पूरे नौ फास्ट. नौ के मतलब अष्टमी हम लोग पूछते हैं तो सात फास्ट, तो बेसिकली सेवन फास्ट होता है. तो वो पूरे मैंने रखे हुए हैं. इसके अलावा गाइस, मैं आपको बता दूं कि देखो, मैंने आज मैंने कर ली है इतनी सारी शॉपिंग, 1 2 3, और ये बच्चों की शॉपिंग 1 2 3 4, क्योंकि गाइस फेस्टिवल आ रहे हैं इस वजह से मैंने किया है ये शॉपिंग. फेस्टिवल लाइक दशहरा आ रहा है, दिवाली आ रहा है, नवरात्रे हैं, और इसके अलावा करवा चौथ भी आने वाली है. हालांकि करवा चौथ की शॉपिंग मेरी अभी नहीं हुई है, अभी पेंडिंग है, बट ये इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें मंगा के रख ली है ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो. तो अभी फिलहाल के सबसे पहले आ रहा है दशहरा, उसमें अच्छे से हम लोग रेडी होंगे. शायद आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता है कि जैसे कि मैं नेपाली हूँ, तो नेपाल में हमारे यहाँ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल हमारा होता है दशहरा. ऑफकोर्स दिवाली भी होता है, बट दशहरा हमारे लिए बहुत ज़्यादा हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं. तो उसमें हम लोग नए कपड़े पहनते हैं और अपने अपने घर जाते हैं, मतलब अपने मायके जाते हैं. तो जो भी होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी दशहरे का पूरा व्लॉग में. तो फिलहाल के लिए ये सब मैंने शॉपिंग वगैरह कर ली है, क्या कहते हैं, अपने फेस्टिवल्स के लिए. तो गाइस, फिलहाल का सीन ये है कि अभी बजे हैं शाम के 7 और मैं जा रही हूँ अभी ऑफलाइन शॉपिंग करने के लिए. ऑनलाइन तो मैंने कर ली है, बट मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ऑफलाइन शॉपिंग भी कर लिया जाए क्योंकि फेस्टिवल है भाई. क्योंकि इसके बाद दशहरा भी, दशहरा के बाद दिवाली भी आनी है, फिर करवा चौथ भी आना है. भैया तुझे लगातार फेस्टिवल ही फेस्टिवल है, तो भाई शॉपिंग तो बनती बनती है. और शर्मा जी को भाई बोनस भी मिला है, मिलेगा सही. जोक्स अपार्ट, तो फिलहाल के लिए अभी जाते हैं हम लोग. मैं पी रही हूँ पहले तो चाय, क्योंकि मेरा फास्ट, तो अभी मुझे मन कर रहा है कि मैं चाय पीऊँ, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँगी. सोई थी मैं तो, सो के उठ के थोड़ा सा हेडेक सा हो रहा है. तो अभी उसके बाद फिर हम लोग जा रहे हैं और थोड़ा सा शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए. देखते हैं पसंद आता है कि नहीं आता, दिखाऊंगी आपको अगर कुछ आया पसंद तो. मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद. तो गाइस, हम लोग आए हैं अभी थोड़ी देर के लिए मम्मी के घर में. और हाय बोलो पापा. हाय. हाय बोलो. हाय बजे. हाय बोलो. तो हम लोग आए थे मम्मी के घर में कुछ काम के लिए और सुधांशु अभी अभी भाग गया है. जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया ये भाग गया है. तब तो तू क्यों भागा है, तू शर्म आती है. तो यहाँ पे हम लोग आए थे, कुछ बहुत जरूरी काम था उसके लिए आए थे. बस अब हम लोग निकल रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं अभी डिनर में किसी के घर में. तो वो मैं आपको पहुँच के बताऊंगी कि हम कहाँ जाए. तो गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं राकेश भैया के यहाँ और आज इन्होंने हमारे लिए बनाया है स्पेशल डिनर चाप, जो कि बिना लहसुन प्याज के है ना भैया, क्योंकि मेरा फास्ट है. हाँ, डाउट हो रहा था जितने, वो कुछ नहीं है. भैया ने स्पेशली मेरे लिए बनाया है. मैंने भैया को मैसेज किया था भैया चाप खिला दो, तो बेचारे भैया ऑफिस से आके लग गए हैं खाना बनाने में. थैंक यू भैया. हाय शान. हाय शान. हाय करो गाइस. हाय. और हमारी पूरी टीम आ गई है यहाँ पे चाप खाने के लिए. ऑल थैंक्स टू हेमा एंड राकेश भैया, है ना. हाँ, उसके बाद अब पार्टी है अनु भैया के घर में, फिर एक दिन है गौरव और मीनाक्षी के घर में. ओ, यहाँ पे मैच चल रहा है इनका. कौन जीत रहा है? इंडिया जीत रही है. तो गाइज, हम लोग पहुंच गए हैं घर और खाना वगैरह हम लोग खा लिया था हम लोगों ने, और बहुत ज्यादा टेस्टी बनाया था गाइज, बहुत ज्यादा टेस्टी, बिना लहसुन और बिना प्याज के बनाया था और इतना टेस्टी बनाया था. तो वो सब लोग अच्छे से पेट भर लिया, ओवर ईटिंग ही हो गई जबकि. तो गाइज, यहाँ पे देखो डुगू को, देखो डुगू कैसे. अच्छा हाँ, ये कौन है? गोरिल्ला. इसका इसके हाथ देखो, गोरिल्ला बाबा. तो गाइस, इसकी बस्ती चलती रहेगी. आप सोते हैं. हो गई. इसे देखो, इसका कलेक्शन देखो. क्या है आशिता? ये है डायमंड. डायमंड्स. और ये है, ये हमें कॉलर. क्या है? ये डायमंड कॉलर. रिच गर्ल के डायमंड कॉलर.
तो गाइस अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 10 और देखो अभी मेरे घर का हालत ये है। एक्चुअली मैं सर्दियों के कपड़े सारे निकाल रही हूँ और गर्मियों के कपड़े सब डाल रही हूँ, ठंडा होने लग गया है। तो जैसे कभी कहीं बाहर बार जा रहे हैं ना तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, मतलब सुबह शाम की ठंड तो हो ही गई है। तो मैं सोचा कि निकाल ही देती हूँ कपड़े, क्योंकि बाकी अगर दिन में अगर पहनना है तो हम लोग सिर्फ एक सूट पहन सकते हैं, गर्म सूट या हाँ ये देखो ये स्ट्रेट बाल स्ट्रेट कर रहा है अपने, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि सारा मैंने निकाल दिया है। अब पहले आशीष के भी निकाल दिए हैं, अपने भी निकाल दिए हैं और अब मैं रन करूँगी इसके बाद बच्चों का, तो फटाफट अभी करते हैं ये काम। तो गाइस अभी मैंने पूरा कमरा वमरा साफ कर दिया है अच्छे से, ये देखो और ये बच्चों ने फिर दोबारा से खराब भी कर दिया थोड़ा बहुत। तो अभी मैंने जो भी विंटर्स के कपड़े थे वो सारे निकाल दिए हैं और समझ के सारे कपड़े रख दिए। अभी कुछ कपड़े रह गए हैं जो मतलब जैसे धुलने के लिए गए थे वो कपड़े अभी रह गए हैं, बाकी उसको भी डाल देंगे बाद में, पर फिलहाल जो मेन था वो सब कुछ हम लोगों का हो गया है। यस गाइस फिर मिलती हूँ आपको मैं थोड़ी देर के बाद। तो गाइस अभी बजे हैं शाम के 7 और यहाँ पर मेरा व्रत का खाना बनने के लिए रेडी हो गया है। यहाँ पे बना रही हूँ मैं कुट्टू के पकौड़े की, मैंने यहाँ पे तैयारी कर दी है और मैं अपने लिए बना रही हूँ आलू का पराठा और ये बच्चों के लिए मैंने रख दिया है आलू और सही लोग क्योंकि थोड़ा सा वैसा खाते ना, और यहाँ पर मैंने रायता वायता छोंक के रख दिया है। पापा क्योंकि पापा का भी आज व्रत है, मैं अष्टम लोग अष्टमी पूछते हैं तो पापा का आज व्रत है, तो पापा से फलाहारी खाते हैं तो उनके लिए मैं कुट्टू के पकौड़े बना रही हूँ, बट मैं अपने लिए आलू का पराठा बना रही हूँ। जब मैं खा लेती हूँ पराठा वगैरह ले लेती हूँ मैं, जैसे मैं अपना आलू का पराठा बना रही हूँ। तो यस फटाफट बनाते हैं अब व्रत का खाना और साथ में यस यहाँ पे मैंने घी निकालने के लिए भी रखा है क्योंकि कल जो हलवा बनेगा मैं सोच रही हूँ कि देसी घी में घर के बनाए हुए घी भी बनाऊँ, ठीक है। तो सुबह सुबह मैंने बच्चों को भी बोल दिया है, कन्याओं को बोल दिया है, वो भी सुबह सुबह आ जाएंगे और सुबह से जो भी तैयारी होगी वो भी रहेंगे। और फिलहाल के लिए गाइस अभी का सीन ये हो रहा है कि हम लोग जा रहे हैं डांडिया में, क्योंकि मेरे हस्बैंड के ऑफिस की तरफ से आज डांडिया का प्रोग्राम रखा है और सबको जाना है, तो इसलिए हम लोग भी जा रहे हैं। तो फटाफट खाना वाना खा के फिर हम लोग जाएंगे डांडिया में, फिर आपको दिखाएंगे कैसा प्रोग्राम है डांडिया। हम लोग सो गए हैं रेडी, खाना वाना खा लिया है और मैंने पहना है ये वाला सूट और आशिता ने पहना है बिल्कुल प्रॉपर गरबा वाला लुक। आशिता कहाँ हो? ये देखो गाइस आशिता ने पहना है पूरा गरबा वाला लुक। डांस भी करना है वहाँ पर, करोगी? हाँ। दिखाओ। ये देखो इसने आशिता बन रही है पूरा गरबा वाला लुक में। तो यस गाइस अभी पहुँचते हैं वहाँ पर और फिर मिलते हैं आपसे। आशिता दिखा दो, वेरी गुड। लाओ अब मैं एक मैं भी फेंकूंगी आशिता। पैसे चाहिए मम्मी, पैसे चाहिए। चलो एक मैं दिलाऊंगी तुम्हें पैसे। हाँ चलो चलो तुम टच कर दिया देख के मार भी। चल 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 तेरा कंपनी जाएगा। ये क्या है, क्या है
मीना सॉन्ग। साठ रुपए का डुगू, ये क्या कितने डायनासोर लेगा? सुना आपने लोग पिंक कलर का डायनासोर एरोप्लेन लोगे वो देख रहा हूँ, एयर इंडिया, एयर इंडिया। ओ देखो कितना एक्साइटेड हो गया, उसे डायनासोर छोड़ दिया। चल रहा क्या चाहिए बताओ, देने कितने? क्या चाहिए आनी को, क्या चाहिए, क्या चाहिए? बॉल ले लो, ले लो बॉल, ले लो आंटी बॉल, ले लो, ले लो बॉल, ले लो, ले लो आनी, आनी जो चाहिए ले ले, ले 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 जो चाहिए। अरे नहीं भैया, अशिता बस दो ही चीज चाहिए, पीकॉक, पीकॉक, पीकॉक। ये बन रहा है, अरे कलरफुल नहीं है या, एक कलरफुल वाला भी आता है? अच्छा एक कलरफुल वाला भी आता है ना। तुम्हें तुम्हें क्या चाहिए? झंडा जीत गया आपने, आपने करे थे? अच्छा इसमें है भी एक दूसरी बार भी एक है, दूसरी बार भी सब है, मतलब तू लोग देखी भूमि ना है ना। मैंने तो इसको देखा ही नहीं, मेरा हमारा टाइम में था ही नहीं। ओ वाओ पीकॉक हैप्पी है।